तो हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का नोटिस आ चुका था हॉस्टल का, ये कल ही आ गया था साइट पे, वेबसाइट पे आज अपलोड हुआ है। ठीक है, कल ही वेबसाइट पे दिखने लग रहा था हॉस्टल वाले पोर्टल पे कि आप लोगों का जो MBA के स्टूडेंट हैं और जो MTTM वाले हैं, जितने बच्चे थे BTech वाले, सबके हॉस्टल के लिए आ चुका है फॉर्म वगैरह। तो आपको फिल कैसे करना है वो चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये नोटिस यहाँ पे दिखने लग रहा है आपको। तो जब जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर नोटिस आप लोगों का खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नोटिस में लोगों ने साफ साफ बता रखा है, जो अपने अनूप जी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया काम ये करते हैं, लेकिन हॉस्टल नहीं दिलवाते हैं बच्चों को। ठीक है, चीफ रोस्ट हैं इस टाइम पर, ये 10 तारीख का नोटिस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आज ही वेबसाइट पर पढ़ा है तो मैंने सोचा जब तक वेबसाइट पर ना आ जाता तब तक आप लोगों को ना बताऊँ। ठीक है, तो MBA, MTTM, BTech, MCA, MEd, MBA, MF, इनसे हर सेमेस्टर के लिए 50 रुपये इन्होंने मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। पैसा लेने में कहीं नहीं चूकते, रजिस्ट्रेशन फ्री में तो हो ही नहीं सकता, 50 रुपये लाओ प्रीफंड का। ठीक है, HMS ऐप इटसेल्फ, ये कुछ नहीं है भाई। ठीक है, बवाल है ये सब। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 13 तारीख। ठीक है, 13 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी कंप्लेन हो तो HMS पोर्टल हेल्प डेस्क पर कर सकते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, लिखने की बात है ये सब, ठीक है, होता कुछ नहीं है, मुँह पर बोल दूंगा मैं लोगों के, क्योंकि बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। तो eliehostel.in पे ये बता रहे हैं जाके। ठीक है, तो eliehostel.in पे मैंने कल ही चेक किया था, कल भी आ गया था आप लोगों का। तो अगर आज भी अगर चेक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो eliehostel पे जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का लिख के आने लगा है। स्पेशली देखो यहाँ पे ऑप्शन देने लग रहे हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MBA, MTTM, BTech, MCA, MEd, इन सब के लिए अप्लाई करना है, eliehostel पे जाके मिल जाएगा। और BEd के लिए भी लिख करके आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो जब इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो आगे ये प्रोसीड होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। इसमें अब काफ़ी बच्चों का ये है कि BTech वालों को, काफ़ी सारों को ये रोल नंबर नहीं दिए हैं अभी। ठीक है, तो वेट कर लो, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, और चेक करते रहो बराबर। और जिन बच्चों का अगर जनरेट ही नहीं हो रहा है, 2-3 बार चेक करने के बाद भी, तो वो हेल्पलाइन पर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स में भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ईमेल एड्रेस वगैरह, न्यू स्टूडेंट हो आप लोग, और पासवर्ड यहाँ से जनरेट करना है, फिर बस आपका आईडी बन जाएगा। ठीक है, और ईमेल पे फिर इसके बाद 50 रुपये कटेंगे, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा, फिर लॉगिन कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, तो ये है आप लोगों का। फोर अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है तो इनकी जो प्राइवेट कंपनी है, पूरा ठेका भाई साहब प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। एलयू में हम लोग कहते कहते थक गए, जब हम लोग एलयू में थे कहते कहते थक गए कि भैया एक पूरा एक वेबसाइट का यहाँ पर सिस्टम रखो आप लोग, कि यहाँ से कम 10 लोग उसको कम से कम हैंडल कर सकें, और स्टूडेंट में भी उसके आदमी होने चाहिए, स्टूडेंट भी कोऑर्डिनेटर बना सकते हो वेबसाइट से। बस इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पूरा ठेका भाई साहब प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, जबकि ये काम ये खुद ही मतलब एलयू वाले बच्चों से करवा सकते हैं, जो BTech के बच्चे हैं या जिनके पास स्किल्स हैं वेबसाइट बना सकते हैं, वो सारा काम ये बच्चे कर सकते हैं। मतलब बनाने का तो छोड़ो, जैसे जो नई नई चीज़ें हैं, जैसे जो HMS, ये एलयू का आपका पोर्टल आया है, ये कोई पुराना पोर्टल नहीं है, बहुत इसको 2 साल ही हुए हैं अभी। ठीक है, तो इसको अभी इन्होंने इस प्राइवेट कंपनी से बनवा दिया है। ठीक है, तो ये गलत काम करते हैं ये, क्योंकि एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, इस इनकी गंदी आदत है। प्राइवेट वालों को बस पैसा देते रहो, पैसा जो सही जगह लगना चाहिए वो सही जगह नहीं लगता है। ठीक है, करोड़ों का तो कबाड़ बेच दिया था इन्होंने जब नैक की टीम आई थी। ठीक है, तो ये होता है भाई साहब इसमें, यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।